अब आइए इस संदेश के दूसरे भाग में हम इमेज यानी कि छवि से मुक्ति इस विषय को और भी अधिक विस्तार से समझने के लिए अगला भाग सुनते हैं। प्यारे खोजियों, आज भी आप उसी ड्रेस में आए हैं जिसमें सालों से आ रहे। यही कमेंट आपको बाहर किसी ने कही होती। तो बुरा लगता। कि आज भी आप उसी ड्रेस में आए हो जिसमें आप सालों से आ रहे हो। लोग पार्टियों में मिलते, शादियों में मिलते, किसी फैमिली फंक्शन में मैके जाते, अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो कोई ऐसा कह दे, अरे पिछली बार भी तो यही पहना था ना। तो पर्सन को दुख होता है, मेरी इमेज डाउन हो गई। तो आज मौका है जानने का कि इमेज कब अप होती है, कब डाउन होती है, और इस इमेज के साथ करना क्या है। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए लोग 2 मिनट मनन करेंगे इस टॉपिक पर कि कहां कहां, कब कब और कैसे इमेज डाउन होती है, कहां कहां, कब कब और कैसे आपकी इमेज डाउन होती है। आंख बंद करके मनन करें। अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग स्थान, अलग अलग लोगों के साथ, किस सिचुएशन में कब, क्या किसी के कहने से करने से इमेज डाउन होती है या डाउन होती थी, आपको लगता था, अब शायद न लगता हो या बिल्कुल नहीं लगता हो, उससे मुक्त हो गए कुछ बातों से, कुछ बातों का अभी भी लगता है। तो क्या अजम्पशन होती है पीछे, क्या मान्यता होती है, क्या कथा बनती है, ये सब मनन के दौरान आपको पता भी चलेगा कि आप क्या इमेज अपनी रखते हैं, आपकी इमेज आपके सामने कैसी है। कब इमेज डाउन होती है, कब अप होती है, कब फीलिंग अच्छी आती है, कब बुरी आती है, और उसके लिए आज तक आपने क्या क्या किया है,
मेंटेन करने के लिए, इमेज मेंटेन करने के लिए कंटेम्पलेशन चल रहा है, मेडिटेशन चल रही है। जीवन का हर मौका आप कैसे लेते हो, इमेज बनाने का, इमेज से मुक्त होने का। हर मौका धोखा तो नहीं बनता, पास्ट प्रेजेंट पास्ट में आपकी इमेज कब डाउन होती थी, कब इमेज अप हुई लगता था, वर्तमान में इमेज का ख्याल आप कब, कहां, क्यों, कैसे रखते हैं। घर में, ऑफिस में, बाजार में, भिखारी के सामने, सेठ के सामने, कब इमेज अप होती है, कब डाउन होती है। धीरे धीरे सभी आंखें खोलेंगे। सभी ने मनन किया इस सवाल पर, इमेज अध्यात्म में क्या रोल प्ले करती है, इमेज कब अप होती है, कब डाउन होती है और क्या होना चाहिए। तो पास्ट में कहाँ कहाँ, कब और कैसे यह डाउन होती थी, अप होती थी और क्यों, क्या उसके पीछे मान्य कथा थी। वर्तमान में क्या चल रहा है, कुछ लोग शेयर करेंगे, वे हाथ ऊपर करेंगे। हाथ ऊपर करने से इमेज डाउन नहीं होती है ना अप होती है। हाँ, हैप्पी थॉट सर जी। ये सही है सर जी कि इमेज लेकर बहुत हम चलते हैं और पहले भी चलते थे काफी, और ऐसे ऐसे अभी जैसे मनन किया वैसे पता चला कि हम क्या मान्यता लेके चलते थे उस वक्त। तो उस वक्त क्या पोस्ट का बहुत ज्यादा था, क्योंकि अभी लेबल लगा दिया कि ये पोस्ट है करके, तो वो पोस्ट एकदम सर पे ऐसे दिमाग में बैठ गई और अब वो निकलना नहीं है। तो हर जगह वही रिफ्लेक्ट होना कि अगर कोई कहे कि अरे आपको इतने समझ में नहीं आता, इतने बड़े पोस्ट पर है इतना भी समझ में नहीं आता है, तो एकदम डाउन हो जाती है इमेज। तो बहुत बुरा लगता है कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो इतने बड़े पोस्ट पर हूँ। तो ये बहुत बड़ी मान्यता थी सर जी। और अगर जब बढ़ता था कि कोई तारीफ़ कर देता था, अरे वाह आप बहुत अच्छे है, इतना अच्छा है, इतनी बड़ी पोस्ट है, ये है, सारी चीज़ें जब आती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अभी जैसे सर जी ने कहा कि पहले मनन करें कि जैसे भिखारी के सामने, पहले ऐसा होता था कि भिखारी को कम थोड़े पैसे देते थे तो वो कभी कहते थे साहब इतने से क्या होगा, अच्छे खासे तो दिख रहे हैं आप। उनको ही पता है कि लोगों की इमेज के साथ कैसे खेलना है। तो एकदम बुरा लगता था कि ऐसे कैसे कह दिया,
मैं इसे दया दिखकर दे रहा हूँ पैसे, और फिर भी मुझे ऐसा कह रहा है, तो वो ऐसे भी कहता था कि साहब आप रख लीजिए, नहीं चाहिए। कभी जैसे दुकान में जाते थे कपड़ा लेने या कुछ लेने जाते थे, तो डिसाइड कर लेते कि यहाँ तक ही हमें लेना है, तो जैसे वो आते वक्त कहते आइए सेठ जी बैठिए वगैरह बड़े अच्छे से, तो बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त, अरे हमारे मान सम्मान दिया जा रहा है। और जैसे कहते थे कि नहीं ये आपके हिसाब से नहीं है, बहुत महंगा है कपड़ा, तो उस वक्त बड़ा बुरा लगता था। तो जैसी अच्छा लगना और बुरा लगना, ये दोनों चीजें पता चल रही, और क्यों सिर्फ इमेज की वजह से। तो ये इमेज सर ये बहुत ही बड़ा, जैसे ये घातक है कि जैसे हमें अभी भी लगता है कि जैसे अभी जैसे ही विचार आता है कि अरे मैं तो ये इमेज, मेरी तो ये इमेज है, अब कैसा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और जनरली हाँ मार्केट में लोग क्या कहेंगे, जिस लोगों ने इमेज बना के रखी, कभी कभी मन कहता है कि नहीं नहीं अभी तो नहीं हूँ, ये इमेज नहीं है, बट बाकी लोग कहते हैं कि नहीं ये आपकी इमेज है, तो उस वक्त और ख्याल आता है कि नहीं बाकी अब क्या कहेंगे। तो ये चीजें ज्यादा अभी थोड़ा डिस्टर्ब करती है, ज्यादा नहीं। हाँ अभी इस पर ये जो आज टॉपिक खुली है, तो ये आपको इससे मुक्त करने के लिए, पहले पोस्ट, बड़ी पोस्ट क्या मुझे मदद कर रही है? अगर मुझे ही मदद नहीं कर रही तो बड़ी पोस्ट नहीं है, भले लोगों को लगता हो ये बड़ी पोस्ट है, मगर बड़ी पोस्ट मुझे मदद कर रही है तो वो बड़ी पोस्ट है। वरना किसी ने कह दिया तुमको ये पोस्ट के होते हुए भी तुम इतना ये नहीं समझ पा रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे हो, और हमें दुख हो रहा है, तो वाकई वो बड़ी पोस्ट नहीं है। बड़ी पोस्ट के लिए एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या भी बोलें, एक्चुअली में क्या समझ में आना चाहिए। तो पोस्ट पहले हमें मदद कर रही है कि नहीं, वो पोस्ट है ही किस लिए, वो पोस्ट आपको सुलझाने के लिए है, वो पोस्ट ऑफिस के काम स्मूथ तरीके से चलाने के लिए है, तो उस पोस्ट का अर्थ भी समझ में आएगा। उससे कोई इमेज गिर नहीं रही है, ऊपर उठ नहीं रही है, लोगों को लग रहा है, उनको लगने देना है, क्योंकि आपकी वाकई बड़ी पोस्ट है, लोगों को जो लगता है उनको लगने देना है, तो वाकई बड़ी पोस्ट है। वरना लोगों को बड़ी पोस्ट मिल जाए और वो दुखी रहे तो बड़ी पोस्ट नहीं है। तो ये जो बातें अभी समझ रहे हैं, और मार्केट में इमेज हमारी क्या जा रही है, कुछ तो बाय डिफॉल्ट जाएगी, उसकी आप चिंता नहीं कर रहे क्योंकि आपको बड़ी पोस्ट है। तो वाकई बड़ी पोस्ट है क्या? जिनको भी बड़ी पोस्ट है उनको ये सोचना है। तो हर एक को अभी एक इमेज पर काम करना है, सही ढंग से काम करना है। इमेज हम अपने लिए रख रहे हैं या कोई इम्पर्सनल कार्य सिद्ध करने के लिए? तो विषय को थोड़ा और तरीके से भी समझते जाएंगे, और अच्छा है कपट मुक्त लोग शेयर करेंगे तो टॉपिक की डेप्थ समझ में आएगी। हाँ हाँ, यहां कोई ऐसा नहीं कह रहा इमेज मत रखो, ये सब करना है, मगर वो हमारे दुख का कारण बन रहा है, वो बंधन का कारण बन रहा है, वो हमें एक छोटी पूंछ हाथी की अटका रही है, पूरा हाथी निकलने के बाद भी कुछ ऐसी बातें अटका कर, फिलहाल हम बाद में देखते हैं इसको, फिलहाल बाद में करेंगे, ऐसा करके कुछ बातें चिपकी ना रहे, इसके लिए टॉपिक को हम समझ रहे हैं। हाँ, पहले ऐसा लगता था कि मान सम्मान मिले, कई बार लोग सम्मान आत्म सम्मान के नाम से अहंकार को पोषित करते रहते हैं, अहंकार को बढ़ावा देते रहते हैं, बोलते हैं ये आत्म सम्मान के लिए मैं कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या अहंकार होता है। तो ये हर एक को ईमानदारी से खुद मनन करना है। लोग, कुछ लोग अंदर से समझ भी रहे होते मगर बाहर से वो बोल नहीं पाते, क्योंकि फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज कैसी बनेगी, इसलिए कई बार वो बोल नहीं पाते हैं और अपने ही जाल में, अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। तभी कौन सी इमेज बनती है जो तकलीफ देती है, क्यों? मूल बात वही है, इमेज अगर निमित्त बन रही है तो आगे ले जाने के लिए, इमेज अगर निमित्त नहीं बन रही है दुख का कारण बन रही है, तो वो कैसे टूटे, पहला काम वो करना है। हाँ, सब्जी लेने जब जाते हैं तो सब्जी वाले आओ साहब बड़े साहब आ गए, बड़े साहब आ गए थे, तो मन में इच्छा होती है कि बार्गेनिंग करूं, लेकिन वो बार्गेनिंग कर नहीं देते। स्टेज तैयार कर दिए उन्होंने, साहब ये भिंडी कैसे दिए, आपको क्या करना है साहब, आप लेके जाओ। सब बिल बनाते कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। मन में विचार आता, बार्गेनिंग करता तो हम 50 रुपये तो कम से कम बचाता था। देखो लोगों को हंसी आ रही है क्योंकि हर एक को याद आ रहा है अपना अपना। यानी इसी टाइप का कुछ तो होते रहता है। कुछ लोगों को निगोशिएट करने में आनंद आता है, वो पैसे कम हुए नहीं हुए, मगर हमने भाव तोल किया, अच्छा लगा।
परचेजिंग की फीलिंग तो आई, परचेजिंग की फीलिंग तो आई, तो वो चाहते, वो उसका आनंद लेना चाहते, मगर इमेज की वजह से नहीं ले पाए, तो कहीं तो बाधा है। जैसे ना बच्चों के साथ बातचीत करना चाहते हैं तोतली भाषा में, मगर लोग क्या बोलेंगे, तोतली भाषा में बात कर रहा, तो चाहते थे बच्चों के साथ एंजॉय करना मगर नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो चाहते हुए भी जब इंसान नहीं कर रहा है, सोर्स से तेजस्थान से आ रहा है कि सामने एक बच्चा है वो अपने तेजस्थान पर है, मैं भी अपने तेजस्थान पर हूं, दोनों मजा करें, नृत्य अभिव्यक्ति करें, मगर चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें कुछ मनन करना है कि इस इमेज को कब तक ऐसे ही चलाना है, या इसका कोई रास्ता है क्या। और रास्ते सोचते जाएंगे अगर आपका बैकअप क्लियर होते जाता है, हम कैसे जीना चाहते हैं ये बैकअप क्लियर हो गया ना, तो ऑटोमेटिक रास्ते मिलते जाते हैं, या तो नई तरकीब मिल जाएगी या सब्जी वाला बदल जाएगा। तो इमेज की वजह से कभी कभी ऐसा नुकसान होता है, फिर इसका दुख भी होता है। मेरे पास एक पुराना स्कूटर है, हमेशा ऑफिसर बाकी कहते रहते कि कब तक ये स्कूटर चलाओगे, अब तुम्हारे पोस्ट के हिसाब से व्हीकल ले लो। तो कोई गाड़ी चलाते को, स्कूटर चलाते को, कोई सामने जान पहचान वाला कोई जा रहा है तो उसको ओवरटेक भी नहीं करते क्योंकि वो देख के बोलेंगे अरे अभी तक यही स्कूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमेज के हिसाब से कभी कभी ऐसा दुख होता है। धन्यवाद। तो अभी क्या लगता है, अब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी तो क्या मतलब, उस वक्त दुख होगा, खुशी होगी, क्या होगा, कोई ऐसा कहेगा? देखो लोग कहेंगे, वो कहना चाहते हैं, वो कहने से वाकई इमेज कम होती है क्या, क्योंकि इंसान ने पक्का किया ही नहीं है, स्टैम्पिंग की है खाली, पक्का किया नहीं, स्टैम्पिंग की है कि सामने वाला मुझे देख रहा है, मेरे बालों को कैसे देख रहा होगा, मेरी हाइट को कैसे देख रहा होगा, है ना, हर एक का नहीं, मेरे रंग को देखकर, किसी को कोई चेहरे पर जख्म है, कोई निशान है, इसको कैसे देख रहा, उसको लगता कि ये ऐसे ही शायद सोच रहा होगा, ऐसी वो उसकी एक्चुअली अपनी कथा रहती है, सामने वाले को वैसा कुछ नहीं रहता है। मगर अभी मिले हैं तो कौन सी टॉपिक पर बात करें, तो सबसे ऊपर यही टॉपिक दिखती है, अच्छा वही स्कूटर इस्तेमाल कर रहे हो क्या, वो पर्सन वो बोलकर भूल भी गया मगर आपको तकलीफ हो गई, तो उस वक्त कैसे इंजॉय किया जा सकता है? तो आप उस पर्सन को खुद बोल पाएंगे क्या, जब वो पर्सन मिला आपको और उसने दो चार बातें की और आप उसको कहे कि इस बार तुमने मेरे स्कूटर के बारे में कुछ नहीं कहा। और जो पर्सन कहता ही है तो पहले ही आप उसको कहेंगे कि पहले मेरे स्कूटर के बारे में कुछ कहो, फिर हम टॉपिक शुरू करते। तो लोग बंद ही कर देते हैं जब इस तरह का प्रतिसाद जाता है ना, तो लोग ये सुनना ही चाहता है, तो उसमें कोई मजा रहा नहीं। उनके लिए कोई मजा ही नहीं रहा है, ये पर्सन खुद ही एंजॉय कर रहा है इसको। तो अगर वही स्कूटर रखनी है तो खुशी से रखनी है। तो पहला हिस्सा इमेज कहाँ डाउन होती है, कहाँ अप होती है, फिर उसमें जुड़ेगा कब न अप है न डाउन है, ऐसा क्या है जो नहीं बदलता, अनचेंजेबल, उसकी ही तारीफ की जाए, उसकी ही वैल्यू है, जब आप उसके साथ जुड़ोगे तो ये अप डाउन से मुक्त हो जाओगे, वरना सदा इमेज को पकड़कर इंसान वह नहीं करेगा जो वो चाहता था, पूरा जीवन वही सब कुछ करता रहा जो उसमें इंटरेस्ट नहीं था, नहीं चाहता था, तो फिर शरीर के अंदर कैसी अवस्था तैयार होगी? इंसान अपने तेजस्थान से अलाइन नहीं रहा, उसको तो गाइडेंस मिलता रहा, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुम कब खुश रहोगे, तुम्हारे जीवन में किस तरह की सीन क्रिएट हो, किस तरह का संग हो, किस तरह आनंद ले रहे हो हर सिचुएशन में, मगर ये एक इमेज ने पूरा धोखा दे दिया क्योंकि वो सही लगने लगा,
धोखा मौका कैसे बन सकता है, इसको अभी मौका बनाने की बात सोचनी है। यानी कौन सी इमेज का ख्याल कर रहे हो तुम, वो तुम्हें तेजस्थान से अलाइन कर रही है या बिगाड़ रही है, तो फिर आप कदम लोगे ऐसा कि लोग बोल रहे हैं बोलने दो, और उनके बोलने से वाकई फर्क पड़ रहा है क्या, या वो बोल रहे हैं तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, या वो 24 घंटे यही सोचते रहते कि 24 घंटे आपके चेहरे के बारे में सोच रहा है, वो तो भूल भी गया नेक्स्ट क्षण। रास्ते में आप कोई देखते हो, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, फिर थोड़ी देर के बाद कहाँ वो आपको विचार है, मगर वो पर्सन सोच रहा शायद मेरे बारे में ये ऐसा सोच रहा होगा। अब कथा काम कर रही है और वो कथा आपको तेजस्थान से हटा रही है, तो आपको कहीं तो डिसाइड करना है कि ये इमेज के चक्कर में मैं महंगा सौदा तो नहीं कर रहा। जो इमेज आपको तेजस्थान से अलाइन करने के लिए मदद करे वो रखो इमेज। एक इमेज आपको मदद कर रही है, मैं खोजी हूं यानी खोज करने वाला हूं। एक इमेज आपको मदद कर रही है, एक इमेज तकलीफ क्रिएट कर रही। तो सबको ये समझ में आया कि कौन सी इमेज मुझे तकलीफ दे रही, बस उस पर काम करना है, बाकी ऑटोमेटिक सॉल्व होती है समय के साथ, ऑटोमेटिक सॉल्व होने वाली है। मगर कुछ हम लेकर शुरू करते हैं फॉल्स इमेज से बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ पहले हम लेकर यात्रा शुरू करते हैं, फिर पता चलता है कि अब बाकी ऑटोमेटिक साफ हो गया, क्योंकि आपको अनचेंजेबल जो जगह है उसका पता चल गया, जहां अप डाउन नहीं होता, वहां से आप जब देखोगे तो आप इमेज में फंसने वाले नहीं हो। अब सब बातों को बाजू में रखकर नए ढंग से सोचे, फ्रेश सोचे, तेज ताजा, कि मैं बड़ा हुआ हूं, अब मैं वाकई क्या चाहता हूं, मेरा जीवन कैसे चले, अब मुझे सत्य मिल रहा है, अब मैं श्रवण कर रहा हूं, अब सच्चाई मेरे सामने आई है, क्या मैं उसी पास्ट से तैयार करूं अपना फ्यूचर, या अपने फ्यूचर को पास्ट से मुक्त करूं। तो आज का संदेश इसी पर है कि आप अपने फ्यूचर को पास्ट से मुक्त कर दो, आपके फ्यूचर को इमेज से मुक्त करो। इमेज आपका फ्यूचर क्रिएट न करे, आपकी वर्तमान की समझ जो है वो फ्यूचर क्रिएट करे। तो अब तक की इमेजेस आपने सुनी, फ्यूचर में इमेज क्या हो ये आपको मनन करना है, फ्यूचर में आपकी इमेज क्या हो। तो 2 मिनट मनन करो अब तक जो सुना उस पर, अब तक की इमेजेस क्या क्या थी आपकी, और अब अगर हम मुक्त हुए हैं तो फ्यूचर का अब तक हम इमेज क्या सोच रहे थे या क्या हो, ये प्रवचन के पहले क्या इमेज सोच रहे थे कि मेरी इमेज कैसी बने, और प्रवचन के बाद अब क्या लग रहा है कि मेरी इमेज क्या हो क्या बने। वो पर्सनल हो इम्पर्सनल हो, जितना मुक्त होते जाएंगे उतना ही इम्पर्सनल की तरफ जाएंगे। मेरा जरूरत पर्सनल इमेज की है तो रखें वली, मगर वह तकलीफ न दे ये ख्याल तो जरूर रखना है। फ्यूचर इमेज क्या हो,
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आज जो मौका था संदेश सुनने का, वही ड्रेस पहनकर आए हो, तो वह कौन सी ड्रेस जो अनचेंजेबल है, जो आप बदल नहीं सकते। इमेज बदलते हैं, वो चेंजेबल है, बदलते रहती है, और उस पर तारीफ मिलती है, इमेज उठती है, कोई बुरा कहता है इमेज गिरती है, ये तो आज तक देखते आए। मगर इसके पार भी कोई तरीका है, यह आपके सामने रखा गया और उस पर मनन किया सभी ने। तो मैकेनिकल जीवन चलता रहा इमेज को लेकर, लोग इमेजेस से बात करते रहते। जब महाबलेश्वर गए तो गाइड मिला, तो पहले सिर्फ गाइड की इमेज ही दिखेगी, गाइड भी एक इमेज करके। धीरे धीरे इमेज हटते जाएगी तो आपकी अपनी इमेज भी विलीन होते जाएगी। बचपन में छोटा बच्चा की, विद्यार्थी जीवन में होनहार बच्चे की, और फिर सफल इंसान की एक इमेज रखी, मगर बीच में जो इमेजेस दुख देती रही, वे इमेजेस मुझे दुख दे रही हैं और मैं वह नहीं करता जो चाहता हूँ सिर्फ उस इमेज की वजह से, तो कहीं तो अज्ञान है, उसे प्रकाश में लाना है। यह आज आपने सीखा। प्लास्टिक सर्जन ने कार्य किया, लोगों में परिवर्तन आया, मगर सभी में नहीं हुआ। कारण, लोगों का जब तक आंतरिक इमेज नहीं बदलता, तब तक चेहरे कितने भी बदल दें, पर्सन वैसा ही रहता है। तो आंतरिक इमेज बदलना सबसे इम्पोर्टेंट है। बाहर के लुक्स चेंज करने से मदद मिलती है, मगर उसके गुलाम न बन जाए। और फिर उसमें तीन बातें जो आई, फॉल्स पुअर इमेज, फॉल्स रिच इमेज और ट्रू इमेज। तो फॉल्स से तो निकलना है, ट्रू की तरफ आना है। ट्रू इमेज क्या है? फ्यूचर में आप कौन सी इमेज रखना चाहोगे जो आपको इमेज के पार लेकर जाए। अल्टीमेटली आप चाहते हो ना लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय, सब जो है अलाइन हो जाए, आपके साथ सुर में आ जाए। तो लोग बेसुरे रहेंगे तो हमारा सुर नहीं बनेगा, इसमें मत रहो। लोग बलि बेसुरे रहे तो भी आपका लाइफ सुर में रह सकता है। तो आपको अपना सुर पकड़ना है, मेन बात जो पकड़ने वाली है। वरना तो हर इंसान खतरे में है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है उसके जीवन में जो जब तक नहीं बदला तब तक ये खुश नहीं रह पाएगा। तो बस एक इंसान पर भी सुई अटकी रह सकती है, पूरा जीवन भी जा सकता है। तो जितना जल्दी हम इससे मुक्त हो जाए कि हम हमारा सुर ठीक रखेंगे, सब चीजें आने ही वाली हैं। तो ये सब बातें आप सुन रहे थे और अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि आप जैसे दिखते हो, आपको जो दिखते हैं, दोनों इमेजेस है, इनको देखने वाला इनके पार है। आप हर एक जिसको भी देख रहे हो उसमें गुरु का एमएसवाई भी है। सभी को जहां से देखा जा रहा है वो एक्चुअली गुरु है, वो एक्चुअली सेल्फ है, वो एक्चुअली आप हैं। वहां से आपको देखना सीखना है। तो आप इमेजेस के पार पहुंच गए, इमेजेस हेल्प करने के लिए है, तो उस हेल्प का हम लाभ लेकर पार पहुंच जाए, ये उद्देश्य आज के संदेश का था। इस पर सभी काम करेंगे। यहाँ आकर जो सभी ने सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स।